हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए। भाई बहुत लेट उठे, आज 2:30 बज गए, धूप के सामने ही कर लेता हूँ। तो बस अभी कुछ सामान लेने जा रहे हैं। मैंने कहा एक दो बिस्किट ले लूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं, वो लेके चलते हैं, फिर खाते हैं कुछ, ऊपर दूध वगैरह बना के फिर निकलते हैं। ले लिए यहाँ से भी सामान, बस अब ऊपर चल के थोड़ा सा खा पी के निकलते हैं। चलो नहाना भी है भाई, नहा के निकलेंगे। इसकी आवाज़ बंद म्यूट कर देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ तैयार, रेडी, बस अब निकलते हैं घर से। ओ घड़ी पहनने तो भूल ही गया, अच्छा हुआ ना याद आ गया ऐसे करते ही। चलो निकलते हैं घर, रात हो गई है, रात मतलब शाम हो गई है, नहाते धोते एक दो काम करते हुए चलो निकलते हैं। अब एक ना मैं सोच रहा हूँ, एक हेडफोन देखे थे मैंने, इंडिया में थोड़े महंगे हैं, मतलब 10-12 हज़ार महंगे हैं वो, यहाँ पे 10-12 हज़ार सस्ते हैं। एप्पल के हेडफोन देखे थे, और वो एप्पल के साथ ना कोई और हेडफोन मैच नहीं होता, मतलब चाहे सोनी का लगा लो, कुछ भी लगा लो, अच्छी आवाज़ नहीं आती। हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, लेकिन ना अच्छी आवाज़ नहीं आती क्लियर। तो हो सकता है एप्पल वाले, पहले मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, मेरी घड़ी भी आ गई, तो कनेक्ट करके देखता हूँ एप्पल वालों के साथ। अगर अच्छे हुए, मेरे को पसंद आए तो ही लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, क्योंकि एडिटिंग में बहुत अच्छे यार सही रहते हैं। और मेरे को ना गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं गाने जैसे नए आते हैं कुछ, मेरे को पीस मिलता है वो सुन के ना, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ही परचेज़ करेंगे आप, ठीक है। एक मॉल में मैंने देखे थे एयरपॉड मैक्स आ रखे हैं, खैर 2 साल पहले आ रखे थे, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही सस्ते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना व्लॉगिंग के लिए वो ले लिए जाए, जब मैं एडिट करता हूँ ना मुझे बहुत इजी हो जाएगी। वैसे मैं एयरपॉड्स लगा के एडिट करता हूँ, बट वो हेडफोन्स होंगे ना तो मेरे को सारी नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आवाज़ आएगी, तो अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ है, मेरे को जैसे गाने सुनने का शौक है, उसको लगा के छोड़ो, वो बड़े वाले लगा के अच्छा रहेगा। अगर ठीक रीजनेबल प्राइस में मिल गए और मेरे को पसंद आए, वो कहते हैं थोड़े हैवी हैं, 2-3 फ़ोन के अकॉर्डिंग उनका वेट है एक का, अगर पसंद आ गए तो ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा, पहले मैं चेक करता हूँ जाके, ठीक है। तो चलो निकलते हैं, आप वैसे भी अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, यहाँ तो दिन वैसे ही बहुत छोटे होते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। ये सारे यहाँ पे ना जितने सारे इंडियन रहते हैं, देखो दिवाली की लाइटें जल रही हैं, सारे इंडियन रहते हैं यहाँ पे, ये देखो कितनी दिवाली की लाइटें जल रही है ना। तो हम पहुँच गए हैं मॉल, मॉल ऑफ एमिरेट्स। रास्ते में अभी क्या हुआ कि हम आ रहे थे गाड़ी में, पीछे से ना एक बंदे ने डिपर मारे ज़ोर से, धीरे की गाड़ी, पूछा क्या हुआ, उसने बोला यार लाइट पीछे की दिक्कत है। फिर पता लगा हमने ना ऑटोमेटिक जो लाइट थी ना वो ऑफ़ की हुई थी, फिर हमने ऑन की, क्योंकि चलते हुए ना गाड़ी पिछली लाइट दिखनी चाहिए, पीछे वाले को पता लग जाता कि हाँ ठीक है, तो फिर हमने ऑन की, वो ऑफ़ कर रखी थी तो सिर्फ ब्रेक लाइट ही चल रही थी, तो फिर ऑन की, तब जाके उसने हमदर्द हुए। तो चलो पहुँच गए पहले मॉल में, आते ही गाड़ियों ने स्वागत किया हमारा बढ़िया तरीके से, डबल आर ने, रोल्स रॉयस खड़ी है भाई। भाई यही 15-20 करोड़ की गाड़ी होगी, यही जबरदस्त। इतना खास नहीं लगा, अभी तो एप्पल म्यूजिक चल रहा है इसलिए म्यूजिक आवाज़ अच्छी आ रही है, जैसे यूट्यूब या स्पॉटिफाई चलेगा ना आवाज़ वही सोने वाली हो जाएगी नॉर्मल, इससे अच्छी सोने की आवाज़ लग रही है मेरे ख्याल से। अभी मैं एप्पल के स्टोर में बैठा हुआ हूँ, मैंने 5-10 मिनट लगा के अच्छे से सुना, लेकिन यार मज़ा नहीं आया, वो फील नहीं आई आवाज़ वाली, इसलिए ये कैंसिल करते हैं। लेकिन यार वो एप्पल का ना मेरे को सच में मतलब हाइप बना रखी है, मज़ा नहीं आया, वो फील नहीं आई, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी एक सोनी का रखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छी आती है, बस ये ना एप्पल से कनेक्ट नहीं होते वो, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कनेक्ट करने का, या कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जिससे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो जो आती है ना बेस उनकी, वो फील अलग होती है, इसकी नहीं थी। मैं इस स्टोर में चला गया, ये तनाग्रा में, फिर यार अंदर जाके देखा, बहुत ही डेलिकेट चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर भाई चांस हाथ लग के गिर गया ना तो देने के लेने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए बाहर ही अच्छे हैं हम। ये देखो दुबई के 8 principles। भाई क्या बैग है ना, टोटे बैग, टोटे बैग रखे हैं इधर, टोटे बैग। अभी एप्पल के बाद बोस ट्राई किया था, बोस का जो अभी आया है, मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं आया होगा वो वाला अल्ट्रा वाला, उसका जो हेडफोन वाला है वो, भाई वो थोड़ा अभी धांसू लगा मेरे को, लेकिन अगर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो 10 दिन में उसके पास मैं दोबारा आऊँगा सुनने के लिए, तो वो फाइनल करूँगा। अभी ना एक जगह बैठा था मैं, मैंने कहा विदाउट एग कॉफ़ी होगी ना आपकी, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो भाई कह रहा मैं एक मिनट, मैंने आपके लिए वो लेके आया था, ब्राउज़र था लेके आया, उसमें सब कुछ था, सोया मिल्क, एग मिल्क, कह रहे कंटेन होगा इसमें, आप नहीं, फिर मतलब मैंने कहा सीधा सा बोल दे उठ जाओ यहाँ से। लेने में आया था हेडफोन्स, लेकिन हेडफोन कोई समझ नहीं आया, बस बॉस का लग रहा था थोड़ा सा, चलो
एक दो दिन और ट्राई करते हैं, कोई और अगर अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर बॉस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये पता नहीं, टाइम बताएगा। ये एक दो थोड़े से कपड़ों की शॉपिंग की है, कपड़े पसंद आ रहे थे तो कपड़े ले लिए। यहाँ पे यार हर चीज़ ना पूछनी पड़ती है कि एगलेस है या एग है उसमें, हर चीज़ में पूछना पड़ता है। अभी आइसक्रीम के पास रुके थे, हमने कहा एगलेस है कोई, नहीं सभी एग्स है, इवन कोन्स में भी इंक्लूड है एग। भाई रहने दे, अपने पंजाब पे ही खाएंगे, बाहर तो खैर मिल ही जाता है लेकिन पंजाब का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसलिए मैंने कहा कि पंजाब पे खाएंगे। चलो बस गाड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से इस साइड ही है। आज का सारा दिन ना इतना ज़्यादा बेकार निकला ना यार, एक तो थोड़ा दिन में काम आ गया, उसके बाद निकलने में शाम हो गई थी, सीधा मॉल ही आए हैं और कोई काम नहीं किया। और आपको पता है यहाँ के मॉल, चाहे किसी छोटे मॉल में भी चले जाओ, वो भी इतने बड़े मॉल होते हैं ना, निकलने का दिल नहीं करता, घूमते 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 रात हो जाती है। अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं भाई, मतलब 5 मिनट रह गए, 11 बज गए हैं। कब जाऊँगा घर, कब खाना खाऊँगा और कब एडिट करूँगा, कब ब्लॉग देखोगे? तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं, निकलने के लिए तो यार चाहिए ना, कहाँ पे है गाड़ी लगाई, कहाँ पे होगी वो भी देखना। तो चलो फिलहाल के लिए हम निकलते हैं यहाँ से भाई। मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, ये देखो एक ये सैंडल है यार, ये सैंडल हमारे इंडिया में बहुत चलेगी, देख रहे हो नीचे ब्रश है, क्योंकि बीवी ने मारनी होती है आदमी यार शेव कर लेगा, सही नहीं है, बहुत चलेगी। कंसेप्ट दूंगा कि भाई ये सैंडल इंडिया में लेके आओ, यहाँ रात को चुड़ैले आती हैं, जाते नहीं हैं कहीं, ये बस यहीं पर आके पहन के यहीं पर सजा के चली जाती हैं। देख लो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है मॉल, जहाँ जाओ सारे के सारे क्लोज पड़े हैं, हम हमेशा ही बंद करवा के जाते हैं भाई जब भी आओ। इसका छाता गैप पड़ा ऊपर का, रस्सियाँ लगा रखी हैं, इसका रिपेयरिंग के लिए जा रखा है। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से। तेरी तो मेरे को तो समझ नहीं आता गुजू कहाँ से निकलूँगा यहाँ से। चल भाई अकुल गया, शुक्र गया, बड़ी बेइज्जती बहुत होती है, एक बार टक्कर बजी थी मेरी माते भट्ट से पुटता था भाई। कुछ भी बोलो, गाड़ियाँ इधर एक से एक मिलती हैं। ओ वाह, दिस इज़ द ब्यूटी, सिगरेट पा रखी है किसी ने। एक और चीज़ बताना चाहता था मैं आपको, ये देखो इनकी एड्स ना एक एक कनाल की होती है, दो दो कनाल की, एक कनाल की नहीं दो कनाल की, क्योंकि गाड़ियाँ यार 100-100 की स्पीड में चलती हैं तो दिखता नहीं है लोगों को, ये इतनी लंबी ऐड है इनकी, वो बुर्ज अल अरब वहाँ पे जहाँ पे स्की की थी। पंजाब से गए थे, खाना पीना रज के टैट हो चुके हैं, लोग तो भगवान की फोटो रखते हैं, इन्हें थोपड़ा लगा रखा मेरा। चलो भाई यहाँ से टैट हो गए, अब निकलते हैं घर की तरफ। टाइम देखो आज 1:45 हो गए हैं घर के बाहर ही। खाना खाने के बाद हम आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने, मतलब दुकान पे आ गया मरिंडा वगैरह के लिए। टाइम देखो 1 बज रहा है, मीना बाज़ार अभी भी खुला हुआ है रात को। ये होती है ना बात भाई, ये होती है बातचीत। अच्छा यहाँ पे हम आज भाई फर्स्ट टाइम B3 में आए हैं, पता नहीं B2 में आए हैं। यहाँ पे चदरे चुदरे धुल रही हैं, होटल सफाई वाला कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत कम लगती है इसलिए सफाई रहती है होटल में। नीचे बेसमेंट में गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी अपनी, दिख रही है कोई और गाड़ी? आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ हमारी ऐसे गूंजती है। मैंने कहा ऊपर रोल्स रॉयस खड़ी थी उसकी वीडियो बनाता, लेकिन यार गाड़ी इतनी लगी हुई थी नीचे लेके आनी पड़ गई गाड़ी। मैं इतना झावड़ा बंदा हूँ, मैं गाड़ी लॉक करनी ही भूल गया था, मतलब बातें बातें करते हैं आपसे लॉक करनी ही भूल गया, अब हुई लॉक गाड़ी। आज हम एक्चुअल में घर पता कितने बजे पहुँचे हैं? 1:15, मतलब 1:15 पर हम पहुँचे हैं घर। भाई समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है? टाइम देखो इतना हो गया, इस साथ वाले होटल के सारे बंदे सो गए, और ये जो लाइटें देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई पक्का इंडियन रहता है, क्योंकि दिवाली के लिए जला रखी हैं लाइटें, हमारे होटल में भी ऑलमोस्ट सारी सो रखी हैं। और टाइम देखो 1:15 हो गया, तो चलो हम भी चलते हैं सोने के लिए। मैंने पिछले वाला ये इसलिए बंद किया हुआ, ये हमारा अपार्टमेंट है, मैंने इसलिए बंद कर रखा है कि आपको ना आगे से दिखेगा नहीं तो प्रॉपर। आज देखो आज आपको रूम क्लीन लग रहा होगा ना, आज ये साफ कर गए हैं, मैंने बोल दिया था, मैं कहा भाई साफ कर जाना और साबुन ज़्यादा खर्च कर लेता हूँ, मैंने कहा बाथरूम में भी साबुन डाल जाना नहाने वाली। यार मैं लेने तो गया था हेडफोन, लेकिन यार पूरा दिन ही वहाँ पे निकल गया मॉल में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप सो कोई हेडफोन पसंद आ जाए, बट बॉस के अभी तक के लिए मेरे को सबसे सही लगे हैं। तो चलो देखते हैं कोई पसंद आता है तो, वरना मेरे पास ऑलरेडी 2 पड़े हैं सोनी के, एक वो पड़ा दिख रहा होगा आपको, वो पड़ा एक घर पे है, इनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, बस इसका ये दिक्कत है ये ना अपने आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं होते, मुझे चाहिए आईफोन के साथ जो कनेक्ट हो जाए इजीली। बोस के हो जाते हैं, JBL का मैंने ट्राई नहीं किया, बस लास्ट ट्रायल है एक JBL का, अगर JBL का अच्छा नहीं हुआ तो बोस का फाइनल है मेरा, बोस का ही लूँगा। एप्पल के कम्फर्टेबल हैं और पता नहीं यार क्या होगा। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई, दे दो यार प्यार थोड़ा सा अपने भाई को।